हेलो दोस्तों, मैं पूर्वी computerhindinotes.com से और आज के इस वीडियो लेसन में हम जानेंगे कि डे बुक क्या है और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं डे बुक के बारे में। डे बुक किसी पर्टिकुलर डे के सभी ट्रांजेक्शन की लिस्ट होती है। अर्थात जब हम बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे बिजनेस में आपने कोई भी सामान खरीदा या बेचा या आपको किसी भी प्रकार का भुगतान प्राप्त हुआ है, तो इन सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री आप टैली में करते हैं। और यदि आप इन ट्रांजेक्शन्स की एंट्री को देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम डे बुक का यूज करते हैं। डे बुक के द्वारा यूजर डेट वाइज या किसी पर्टिकुलर डे की एंट्री को आसानी से देख सकता है। अगर यूजर चाहे तो वह किसी एक टाइम ड्यूरेशन की एंट्रीज को भी डे बुक के द्वारा देख सकता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि टैली में हम डे बुक का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, टैली में यदि आप डे बुक का यूज करना चाहते हैं, तो आप गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत रिपोर्ट्स टैब में डिस्प्ले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले मेन्यू ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप डे बुक सिलेक्ट कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि रिसेंट में हमने जो भी एंट्री की है वह एंट्री यहाँ पर दिखाई दे रही है। सबसे पहले यहाँ पर डेट दिख रहा है कि ये 1 जून 2018 को की गई है। यहाँ पर जो एंट्री की गई है वह एंट्री दिखाई दे रही है। अब जो ये एंट्री है, ये पर्टिकुलर किस वाउचर में की गई है, तो वो आप देख सकते हैं, एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में की गई है। यहाँ पर वाउचर नंबर भी आप देख सकते हो। इसके साथ ही आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर एंट्री कितनी अमाउंट के साथ की गई है। अब यदि हमें किसी स्पेसिफिक डेट की एंट्री देखना है, तो वह हम कैसे देख सकते हैं? तो स्पेसिफिक डेट की एंट्री देखने के लिए आप F2 प्रेस करें और यहाँ पर वह डेट डालें जिस डेट की आप एंट्री देखना चाहते हैं। तो मैं अक्टूबर की एंट्री देखना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैंने डाला 1 अक्टूबर। यहाँ आप देख सकते हैं कि अक्टूबर मंथ की जो एंट्री थी वह ओपन हो चुकी है। यदि हम इस एंट्री को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो एंटर प्रेस करें और सीधा यह एंट्री उस वाउचर में ओपन हो जाएगी जिस वाउचर में आपने यह एंट्री की थी। तो यह एंट्री सेल्स वाउचर में की गई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि यहाँ से हम बाहर जाना चाहते हैं, तो आप एस्केप बटन दबाइए। अब हम चाहते हैं कि हमें एक साथ सारी एंट्री देखनी है, तो यहाँ पर आप वह टाइम ड्यूरेशन डाल सकते हो कि आपको कब से कब तक की एंट्रीज देखनी है। तो यदि आप टाइम ड्यूरेशन डालना चाहते हो, तो यहाँ पर ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करें। यहाँ मैंने ऑल्ट के साथ F2 प्रेस किया और यहाँ पर वह टाइम ड्यूरेशन डालें जिस टाइम ड्यूरेशन की आपको एंट्रीज देखनी है। यहाँ मुझे जो एंट्री देखनी है वो 1 अप्रैल से लेके 1 मार्च तक की एंट्री देखनी है, इसलिए मैंने डेट डाली 1 अप्रैल 2018 से 1 मार्च 2019। अब आप देख सकते हैं, यहाँ अब तक मैंने जितनी भी एंट्रीज की है वो सारी एंट्रीज यहाँ पर शो हो रही है। अब यहाँ पर जो भी एंट्री दिखाई दे रही है, उन्हें आप अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो इसके लिए F12 प्रेस करें। यहाँ पर जैसे ही आप F12 प्रेस करोगे, कॉन्फ़िगरेशन विंडो ओपन होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ऑप्शन है फॉर्मेट। फॉर्मेट मतलब जो आपको रिपोर्ट दिखाई दे रही है, आप इसे किस फॉर्मेट में देखना चाह रहे हैं, कंडेंस्ड या डिटेल। यदि आप इस रिपोर्ट को डिटेल फॉर्मेट में देखना चाह रहे हैं, तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करें, डिटेल। क्या आप इस रिपोर्ट में नरेशन भी देखना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को यस करें। नेक्स्ट है शो बिल वाइज डिटेल। क्या आप बिल वाइज डिटेल देखना चाहते हैं, तो यहाँ भी आप यस प्रेस करें। नेक्स्ट है शो कॉस्ट सेंटर डिटेल ऑल्सो। इस ऑप्शन को आप नो रहने दें, क्योंकि अभी कॉस्ट सेंटर मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। नेक्स्ट है शो इन्वेंट्री डिटेल। इस ऑप्शन को भी आप यस रखें। नेक्स्ट है शो एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टॉक आइटम। इस ऑप्शन को भी आप यस रखें। क्या आप बैंक डिटेल भी देखना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को भी आप यस रखें। शो एडिशनल डिटेल, इस ऑप्शन को आप नो रखें। नेक्स्ट है सिलेक्ट वाउचर टू शो। यहाँ पर जो एंट्रीज दिखाई दे रही है, जब हम टैली में एंट्री करते हैं, तो यहाँ पर 2 टाइप के वाउचर होते हैं, अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर। अगर आप सिर्फ अकाउंटिंग वाउचर की एंट्रीज को देखना चाहते हैं, तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करें। यदि आप इन्वेंट्रीज से रिलेटेड एंट्री को देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप इन्वेंट्री एंट्रीज को सिलेक्ट करें। लेकिन यहाँ हम दोनों टाइप के वाउचर्स की एंट्रीज को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ऑल वाउचर सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है अपीयरेंस ऑफ स्टॉक आइटम नेम्स। तो यहाँ पर आप नेम ओनली सिलेक्ट करें। अपीयरेंस ऑफ नेम्स, यहाँ भी आप नेम ओनली सिलेक्ट करें। और देन सॉर्टिंग मेथड। सॉर्टिंग मेथड का अर्थ होता है कि जो भी एंट्रीज दी गई हैं, क्या आप इसे अरेंज करना चाह रहे हैं
यदि आप इसको अरेंज करना चाह रहे हैं अल्फाबेटिकली तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपको अमाउंट के अकॉर्डिंग एंट्रीज को देखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आप वह सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कुछ चेंज नहीं करना चाहते, आपने जैसे रिपोर्ट्स बनाई थी उसी सीक्वेंस में आप रिपोर्ट्स को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप डिफॉल्ट सिलेक्ट करें और एंटर प्रेस करें। अब आप देख सकते हैं कि हमने जो भी कॉन्फ़िगरेशन सेट की थी उस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग डे बुक में आपको एंट्रीज दिखने लगी हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर नरेशन ऑप्शन को यस किया था, तो आप देख सकते हैं कि नरेशन यहाँ पर शो होने लगा है। यदि बैंक से रिलेटेड डिटेल है तो यहाँ पर बैंक की डिटेल दी गई है, और यदि यहाँ पर हमने परचेज वाउचर से रिलेटेड एंट्री की है तो यहाँ आप देख सकते हैं परचेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तब जैसे यहाँ पर Redmi Note 8 Pro खरीदा गया है, किससे खरीदा गया है, राहुल से खरीदा गया है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग डे बुक को कॉन्फिगर कर सकते हैं और एंट्रीज आप देख सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको डे बुक समझ आया होगा। अब आप जान गए होंगे कि डे बुक का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि हम डे बुक को कॉन्फिगर करना चाहते हैं तो वह हम किस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कॉस्ट सेंटर्स क्या हैं और इनका यूज कैसे किया जाता है। थैंक यू दोस्तों।